हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं दी नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हेलोवीन टाउन को देखते हैं, जहां बहुत सारे अलग अलग राक्षस या क्रिएचर्स रहते थे। उनका लीडर था जैक स्केलिंटन, वही एक सैली नाम की लड़की थी जो एक इविल साइंटिस्ट की क्रिएशन थी। वो उस साइंटिस्ट का हर काम करती थी, पर वो मन ही मन जैक को भी पसंद करती थी। ये सभी हर साल बहुत धूमधाम से हेलोवीन सेलिब्रेट करते थे, पर इस बार जैक इससे काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि हमेशा एक ही फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते करते वो बहुत ही बोर हो गया था। इसलिए अब उसे कुछ नया चाहिए था। इसी चिंता में एक दिन वो जब जंगल में टहल रहा था, तो उसे कुछ पेड़ मिलते हैं जिसमें अलग अलग दुनिया के डोर्स मौजूद थे। उनमें से जैक क्रिसमस वाले डोर को चूज करता है, और वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करता है तो वो सीधा क्रिसमस की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो हर तरफ घूमने लगता है। वो जगह उसको बहुत पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो वापस अपने हेलोवीन टाउन में आ जाता है और सभी को क्रिसमस के बारे में बताने लगता है कि वो कितना खूबसूरत था, हमें भी इसको एक बार सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके बाद वो क्रिसमस के बारे में और भी स्टडी करने लगता है और फाइनली टाउन में अनाउंस कर देता है कि इस बार क्रिसमस पर हमारा कब्जा होगा और मेरे प्लान के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। जिसके बाद वो सबको क्रिसमस की तैयारी करने को कहता है और तीन शरारती ट्रिक और ट्रीटर्स को बुलाकर कहता है कि असली सेंटा को किडनैप करके मेरे पास ले आओ। एक्चुअली जैक खुद सेंटा बनकर पूरे टाउन में गिफ्ट्स बांटना चाहता था, लेकिन सैली को एक बहुत बुरा विजन आता है कि ये क्रिसमस बर्बाद हो जाएगा। वो जैक को मना भी करती है कि इसको सेलिब्रेट मत करो, लेकिन जैक तो खुशी से पागल हो चुका था, इसलिए वो सैली की एक नहीं सुनता और उसको अपने लिए सेंटा का कॉस्ट्यूम बनाने को कहता है। वही हम देखते हैं वो तीन ट्रिक और ट्रीटर्स सेंटा को किडनैप करने तो गए थे, लेकिन वो गलती से सेंटा की जगह एक रैबिट को उठा ले आते हैं, जिससे जैक उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनको वापस भेजता है। और इस बार वो तीनों सेंटा को पकड़ के ले आते हैं। फिर जैक कहता है कि क्रिसमस खत्म होने तक इसको किसी कंफर्टेबल जगह में बंद कर दो, जिसके बाद वो तीनों सेंटा को बुगी के पास छोड़ाते हैं, जो इस मूवी का मेन विलन है। बुगी सेंटा को खूब तंग करता है और उसको कैद करके अपने पास रख लेता है। वही जैक के रेंडियर्स और उसका स्ली तैयार हो चुका था, जिस पर बैठकर वो गिफ्ट्स बांटने निकल जाता है, लेकिन उसको देखकर बहुत से बच्चे डर जाते हैं और वो भी बच्चों को कई सारे डरावने गिफ्ट्स देकर उनको और भी डरा देता है, इसलिए कई लोग पुलिस को उसका कंप्लेन कर देते हैं। वही सैली को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए सेंटा को बचाने बुगी के पास चली जाती है, लेकिन वो खुद वहाँ पकड़ी जाती है। दूसरी ओर मिलिट्री के द्वारा जैक पर एक मिसाइल छोड़ दिया जाता है, जो सीधा जाकर उसके स्लीपर लगता है और जैक भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मरा नहीं था। और अब जाके उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो जो भी कुछ कर रहा था वो सब गलत था। फिर वो सेंटा और सैली को बचाने सीधा बुगी के पास चला जाता है और उससे फाइट करने लगता है। बुगी उस पर कई तरह से अटैक करता है, लेकिन जैक भी बहुत चालाकी से उसके सभी वेपन से बचकर उसको फाइनली हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर वो सेंटा को सॉरी कहता है, लेकिन सेंटा उस पर बहुत गुस्से में थे। पर अब सब कुछ ठीक करने के लिए सेंटा पूरे टाउन में घूमकर सभी बच्चों से उन डरावने गिफ्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं और पूरे टाउन में वो स्नोफॉल भी लाते हैं, जिसको देखकर सभी खुशी से एंजॉय करने लगते हैं। और अब जैक को भी पता चल जाता है कि सैली उसको पसंद करती है, जिसके बाद वो भी सैली को प्रपोज कर देता है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।